सुप्रभात, मैं सुधी तोमर आज आप सबके समक्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत भर में मनाया जाता है। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। किसान दिवस हर साल देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में किसानों के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने देश में किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों की शुरुआत की थी। साथ ही किसानों के पक्ष में बिल प्रस्तुत कर देश के कृषि क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी, जैसे ऋण मोचन बिल बनाया गया, भूमि उपयोग बिल बनाया गया, उन्होंने जमींदारी और भूमि सुधार बिल का मसौदा तैयार किया था और उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून पास करवाया था। हर साल भारत के सभी राज्यों में राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। किसान दिवस किसी उत्सव से कम नहीं मनाया जाता। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में इस दिवस को लेकर बहुत उत्साह देखा जाता है। किसान समुदाय और ग्रामीण वन के कई सदस्य मिलकर कृषि आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कई वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज जैसे कार्यक्रमों से कृषि कार्य संबंधित जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान किसानों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। किसान के प्रतिनिधि अपने समस्याओं और मुद्दों को बताते हैं और इस तरह हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। कड़ी धूप हो या हो शीतकाल, हर चलाकर ना होता बेहाल। रिमझिम करते होगा सवेरा, इसी आस में ना रोकता चाल। खेती बाड़ी में जुटाता ईमान, महान पुरुष है वो है किसान। छोटे छोटे से बीज बोता, वही एक दिन बड़ा खेत होता। जिसकी दरकार होती उसे बोकर उसे वह तभी सोता। खेती का कण कण है जिसकी जान, महान पुरुष है वो है किसान।